तमाम दोस्तों को मेरे अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूं, आपने सही पढ़ा है कि बाहर जाने वाले हजरात जो हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। ये इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो बाहर के मुल्क में नौकरी करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देना है इलेक्ट्रिशियन का उन्होंने, तो ये वीडियो लाजमी देखें क्योंकि बाहर के मुल्कों में टर्मिनल होते हैं, लंबी लंबी सुरंगें होती हैं और लॉन बड़े होते हैं और गोदाम होते हैं वो पाक, तो उनको वहाँ ये मसला दरपेश आता है कि वहाँ लाइटें जो हैं मेन लेंस लगी होती हैं और उनको आगे चलती रहती हैं और पिछली लाइट बंद होती रहती है और अगली लाइट चलती रहती है, तो वहाँ जो कनेक्शन होते हैं टूवे स्विच के वो उसके तरीक़ेकार मैं आपको बताने लगा हूँ। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर प्राइमरी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। मुकम्मल देखने के बाद आप अंदाज़ा कर लेना कि अगर आपने सब्सक्राइब करना तो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो देखने से कुछ सीखा है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वो जो दोस्त पुराने हैं उनका शुक्रिया वीडियो देखने का। तो आइए शुरू करते हैं कि टू वे स्विच का कनेक्शन किस तरह करने, गोदाम की वायरिंग कनेक्शन किस तरह करने हैं या टनल की वायरिंग कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो हमें चार स्टेम हमने टू वे स्विच लिए हुए हैं और तीन हमारे पास हैं बल्ब, ठीक है, और हमारे पास कुछ तार के टूटे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से। ये हमने आपको सिखाने के लिए टूटे छील के रखे हुए हैं ताकि वीडियो छोटी बने और आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये हमने तार के टूटे छील के रखे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो टू वे स्विच है चार, उसके हमने ऊपर वाले पॉइंट जो हैं एक दो तीन चार, ठीक है, उसके ऊपर वाले पॉइंट पर एक तार जो हमने प्रो देनी है यूँ करके। मैं आपको प्रो को चेक कराता हूँगा। ऊपर वाले पॉइंटों पे हमने तार जो है वो प्रो देनी है। तमाम टू वे स्विच के जो हमारे पास मौजूद हैं इस तरह अपने चारों स्विचों के तार प्रोनी है। और वीडियो आप जो है वीडियो पूरी मुकम्मल देखे करें, वीडियो स्किप करके ना देखे करें आगे, फिर आप आगे चले जाते हैं और पिछला जो है आपको याद नहीं रहता कि क्या किया था मैं। ये देखें दोस्तों, हमने ऊपर वाली साइड में प्रो दी है। अब हमने निचली साइड जो है सेंटर वाली छोड़ देनी है, सेंटर वाली हमने छोड़ देनी है कोमल, और निचली साइड भी इसी तरह ही प्रो देनी है सारी। ये देखें दोस्तों, हमने ऊपर वाली साइड पे भी एक तार प्रो लिया है और नीचे वाली साइड पे भी एक तार प्रो लिया है। अब हमने आगे क्या करना है, हमने सबसे पहले अब ये तो हमारे टू वे स्विच के जो है वो हमने प्रो लिए हैं, अब हमने जो है इसके बल्बों का कनेक्शन के साथ करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट बल्ब है हमारा, पहला बल्ब जो हमारा उसकी एक तार लेनी है हमने, जो सी मर्जी लाल ले लें काली ले लें जो सी एक तार ले लें, जो पहले बल्ब की हमने एक तार ले ली जो सी मर्जी, वो हमने स्विच के जो टू वे स्विच है इसके सेंटर में जो कॉमन पॉइंट है इसमें लगानी है, ठीक है। पहले बल्ब की पहली तार हमने टू वे स्विच के जो कॉमन पॉइंट है उसमें लगानी है एक तार। अब हमने इस बल्ब की जो एक तार तो हमने इसमें लगा दी है, अब इस तार की बल्ब की एक तार बची जो है वो तार हमने दूसरे दो नंबर बल्ब की एक तार के साथ लगा देनी है, जो सी मर्जी तार के साथ लगा सकते हैं आप। आपने एक बल्ब की तार एक टू वे स्विच के कोमन में लगा दी है और दूसरी तार जो आपने है इस बल्ब की वो इस बल्ब की एक तार के साथ ज्वाइन करके दूसरा नंबर जो टू वे स्विच है उसके साइड वाले कोमन में लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इस बल्ब की एक तार बची है,
और इसी तरह हमने इसकी एक तार जो बची है वो तार लेके इस वाले बल्ब के साथ जो तीसरे नंबर पे है उसके साथ अटैच करके और लगा देनी है। ये दोनों की हमने तारें ज्वाइन करके जो हमारे पास तीसरे नंबर टू वे स्विच है हमने उसकी तार में लगा देनी है। कलर आप जो सा मर्ज़ी लगा सकते हैं लेकिन एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह लगाना है आपने, बस कलर जो सा मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी लगा सकते हैं। अब हमने इसकी तार जो है और इसकी तार एक ज्वाइन करके यहाँ लगा दी है। अब हमारे पास इसकी एक एक तार रह गई है, वो तार हमने जो ये अकेला पॉइंट रह गया है टू वे स्विच का कॉमन आखिरी पॉइंट, हमने ये तार इसमें लगा देनी है। ठीक है, अब हमारा ये जो सर्किट मुकम्मल हो गया है, अब हमने इसको मेन देनी है और मेन दे के चला के चेक करेंगे अब इसके हम मेन देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको जो है मेन देनी है, वो हमने देनी है इस तरह कि जहाँ मर्जी हमने एक नेगेटिव तार या पॉजिटिव लगा देनी है, नीचे लगा दें निचले हिस्से पे या अपर वाले हिस्से पे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हमने बटन की एक साइड पे नेगेटिव हमने नीचे दे दिया, पॉजिटिव हम ऊपर दे देंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप नेगेटिव ऊपर भी दे सकते हैं और पॉजिटिव नीचे भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो तमाम दोस्त वीडियो मेरी मुकम्मल देखे करें, मेरी वीडियो देखने का आपको फ़ायदा होगा नुकसान नहीं होगा। तो ये देखें हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया, हम इसको उठा के वो चला के चेक करेंगे आपको। ठीक है, हमने बटन जो है वो उल्टा लिए हैं, अब हम इसको सप्लाई लगा के चेक करेंगे आपको। दोस्तों शुरू करते हैं, हमने बटन सीधे कर लिए हैं, फर्स्ट बटन पहला बटन चलाएंगे ये लाइट चलेगी, अगला बटन चलाएंगे ये बंद होगी, अगला बटन चलाएंगे अगली चलेगी और ये मुकम्मल बंद होगी। फिर इंटर होते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे और पिछले बंद होते जाएंगे। आपको समझ लग गई, जैसे आप गोदाम के या टनल के अंदर होते जाएंगे या तो आगे वाली जलती जाएगी और पिछले वाली बंद होती जाएगी, फिर आप इंटर होते जाएंगे और आगे के चलते जाएंगे और पिछले वाली लाइटें बंद करते जाएंगे। तो आपको समझ तो लग ही होगी कि ये कैसे कनेक्शन हुए हैं और किस काम का हम आ सकते हैं, ये टनल की वायरिंग में, गोदाम की वायरिंग में और जो लोन बड़े बड़े बने होते हैं लोगों के घरों में उनके लिए कि जहाँ वो जा रहे हैं वो लाइट जलती जाए, जहाँ वो ठहरना चाहते हैं वो बाकी लाइटें साथ साथ बंद होती जाएँ। तो ये कनेक्शन आप लाजमी मेरे देखें पूरे मुकम्मल बड़े फ़ायदेमंद कनेक्शन है, हर जगह पर ज़्यादातर बड़े इलाकों में लग रहे हैं कनेक्शन। तो तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। तो अपने भाई को आसिफ हुसैन को ज़्यादा दें। अल्लाह हाफिज़।